इस बजट 2020-21। तो देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की अगर बात की जाए तो इसके बजट का जो आकार है वो 5,12,860,72,00,000 है। अगर बजट में बात की जाए तो बजट में 10,967,87,00,000 की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर 2020-21 का जो बजट है वो क्या और कैसे है, और इसके बाद हम इस पर जो है MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो है, अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो आपका जो है युवाओं को रोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा। मतलब युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा। बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या में एयरपोर्ट सहित 11 अन्य एयरपोर्ट के लिए धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि जो फसल बीमा योजना का लाभ होगा वो लाभ मूल किसान को तो मिलेगा ही, साथ में बटाईदार को भी मिलेगा। फिर आगे वहीं बात करें तो निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल, गोवंश के भरण पोषण एवं उन्नत नस्ल के विकास हेतु बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो बजट में देखिए लिखा हुआ है, बजट में 10,967,87,00,000, मतलब 10,967.87 रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। राजकोषीय घाटा 53,195,46 रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2020 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया गया। फिर वहीं आगे बात करें तो उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 रुपए है। पिछली बार के बजट के मुकाबले यह 33,159 ज़्यादा है। प्रस्तुत बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की और अग्रसर करने में सहायक होगा। मतलब जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है इसको $1 ट्रिलियन की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोजगार युवक के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता मतलब अप्रेंटिस योजना का प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अनुमानित है, जो इस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। ये आपका यहाँ का है कि मतलब अनुमानित है जो इस वर्ष के लिए अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू आय का 2.97% है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ तक ही देखिएगा कि इस योजना में 2,500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण और भत्ते के रूप में दी जाएगी। वहीं अगर अब हम इस पे MCQ की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ए राजेश अग्रवाल, बी सुरेश खन्ना, सी अभिनव अग्रवाल, डी सुरेश पांडे। तो जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो हैं सुरेश खन्ना। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो अभी हमने बताया कि 5,12,860.72 रुपए जो है बजट पेश किया गया है, इतने रुपए का।
फिर वहीं अगली बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का 2020-21 बजट 2019-20 बजट के मुकाबले कितना अधिक है, कितना करोड़ अधिक है, 33,159 करोड़ रुपए अधिक है पिछली बार के मुकाबले। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो अभी हमने बताया कि 53,195.46 करोड़ रुपए। फिर वहीं प्रस्तुत बजट 2020-21 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर की ओर अग्रसर करने का, मतलब अग्रसर किया जाएगा, तो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है की तरफ अग्रसर किया जाएगा। वहीं आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में शिक्षित बेरोजगार युवक के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है, तो मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रस्तावित है। फिर इसके अंतर्गत जो है जो रहेंगे अप्रेंटिस की करने वाले, तो प्रशिक्षण के दौरान उनको 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। फिर वहीं आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार 2020-21 बजट में अयोध्या पर्यटन स्थल की कुल कितनी रकम आवंटित की गई है, तो अयोध्या पर्यटन स्थल के लिए जो है 595 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो वाराणसी स्थित तुलसी स्मारक भवन के लिए कुल कितनी रकम आवंटित की गई है, तो तुलसी स्मारक भवन के लिए जो है 10 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। वहीं अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 2020-21 के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। फिर वहीं वाराणसी संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए बजट 2020-21 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 180 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ये सब क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं, ठीक। फिर वहीं आगे बात करें तो गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो वो 25 करोड़ रुपये है। फिर वहीं आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिक बनाने के लिए बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों के लिए उत्तर प्रदेश बजट में कितनी धनराशि आवंटित है, तो उत्तर प्रदेश बजट में जो है 5,791 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है गांवों की स्वच्छता के लिए। फिर वहीं अटल आवासीय विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 270 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। वहीं अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि कितनी है, तो 4,800 करोड़ रुपए है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वो 489 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट 2020-21 में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी बिंदु हैं जो कि परीक्षा में बन सकते हैं इससे प्रश्न, इसलिए मैंने जो है इन सभी प्रश्नों को एकत्रित करके आपके पास जो है उपस्थित किया हूँ। वहीं अगर आगे हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश बजट में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 4,000 करोड़ रुपए का। वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा में स्थित जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट 2020-21 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, 2,000 करोड़ रुपए किसके लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए, कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। वहीं उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में राज्य सड़क निधि के कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो राज्य सड़क निधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। वहीं अगर हम बात करें निराश्रित महिला पेंशन योजना के
बजट में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 1432 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछले वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के लिए 2020-21 में 1375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में किन किन जिलों में महिला PAC वाहिनी को की स्थापना की जाएगी? तो गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ और इन सभी स्थानों पर जो है महिला PAC वाहिनी की स्थापना की जाएगी। देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, ये राकेश सर के भाई हैं और जो है इनकी शादी में हम लोग गए हुए थे जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी। तो ये वीडियो आप देख कर देखिए, ज़रूर देखिए और कमेंट में जो है सभी को जो है आशीर्वाद जरूर दीजिए। नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये अपने नए जीवन की शुरुआत अच्छे तरीके से करें, तो इसके लिए आप लोग आशीर्वाद इनको ज़रूर दीजिए। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।